गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा, जो लगभग हर प्रोग्रामर्स के लिए फेवरेट होता है, वो है लूप्स, और वो भी किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। तो देखिए लूप होते क्या है। लूप इज द वे टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। लूप क्या है बच्चों? लूप वो सुविधा है जिसके द्वारा आप स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अर्थात बार बार अगर किसी स्टेटमेंट को आपको दोहराना है सी लैंग्वेज में, सी ही क्यों, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, जहां पर भी, तो सबसे पहले हम किसकी ओर देखते हैं? हम देखते हैं लूप की ओर। और अगर मैं बात करूं कि लूप कितने प्रकार के हैं सी लैंग्वेज में, लूप्स की अगर बात की जाएगी, तो सबसे बेसिक लूप सी का है, जो वो कौन सा है बच्चों? वाइल। वाइल के बाद आपका एक और लूप है फॉर, और सबसे आखिरी में बच्चों कौन सा लूप है? टू वाइल लूप। देखिए लूप कोई भी हो, लूप कोई भी हो, अगर आपको लूप को चलाना सीखना है तो तीन बातें, क्या वो तीन बातें हैं? नंबर वन, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। नंबर दो बच्चों, कंडीशन, यानी कहां से कहां तक लूप चलेगा, और नंबर तीन, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ये तीनों बातें आपको बताना जरूरी है। आप कहेंगे सर जब एक ही कार्य इन लूपों से होगा तो हम अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट क्यों जाने? तो देखिए सी लैंग्वेज में अलग अलग यद्यपि लूपिंग स्टेटमेंट दिए हैं, सबका बेसिक कंस्ट्रक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, सबके प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मूल तत्व तीनों में एक ही है। तीनों लूप को अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको इनिशियल वैल्यू, फिर लूप की कंडीशन, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को समझना पड़ेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं व्हाइल लूप का क्या तरीका है यूज करने का। सबसे बेसिक लूप है, तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होगा देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले लूप की इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, इसके बाद क्या लेंगे, व्हाइल के साथ आप लिखेंगे क्या, लूप की कंडीशन, ठीक है, ये ब्रेसेस लगाइएगा, जितने भी स्टेटमेंट आप इसमें डालना चाहते हैं, स्टेटमेंट वन से लेकर चाहे जितने भी आप डालो, यन स्टेटमेंट हो सकते हैं, और अंदर आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करोगे या बच्चों डिक्रीमेंट करोगे। और ये देखिए लूप का कंट्रोल ब्रेसेस यहां से बंद हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने मैंने एक सिंटैक्स पूरा लिख दिया, किसका, व्हाइल लूप का। यहां देखो सबसे पहले लूप की इनिशियल वैल्यू, किस वैल्यू के लिए लूप चलना शुरू करेगा, वो क्या मान होगा, सेमीकोलन से लाइनें टर्मिनेट होंगी, व्हाइल जिस कंडीशन तक लूप चलना है, यहां सेमीकोलन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यही सेमीकोलन लगा दिया तो लाइन टर्मिनेट हो जाएगी, तो आगे के ये ब्लॉक्स की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी। तो डोंट यूज सेमीकोलन हियर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सामने नॉर्मली सेमीकोलन का उपयोग नहीं करते, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और ये ओपनिंग कर ली और ये क्लोजिंग, ये क्या है, ये लूप का स्कोप यानी प्रभाव क्षेत्र बता रहे हैं कि ये व्हाइल लूप कहां से कहां तक चलेगा, कहां से कहां तक उसका एरिया है, और ये जो लाइनें हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें
जितनी बार आप डालोगे एग्जीक्यूट करेंगे, और बच्चों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लूप टर्मिनेट होगा ही नहीं, कंडीशन इनफाइनाइट केस में फंस जाएगी। हर एक पार्ट का अपना रोल है बच्चों, हर एक पार्ट का अपना महत्व है, तो किसी भी पार्ट को आप स्किप नहीं कर पाओगे। आइए दिखाता हूं एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपके व्हाइल लूप का, एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप इन सी। ध्यान से देखिएगा, आप हेडर फाइलें वगैरह सब बच्चों जानते हो लगाना, फिर भी मैं लगा दे रहा हूं। बिना हेडर फाइलों के आप जानते हैं सी में कुछ नहीं होना। ये देखिए, दो हेडर फाइलें मिनिमम चाहिए, मेन फंक्शन के बिना सी का प्रोग्राम होता ही नहीं, ये आप सब जानते हैं। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया int n और उसकी इनिशियल वैल्यू कर दी कितनी, 1। मैंने n एक वेरिएबल है जिसका इनिशियल मान क्या हो गया, प्रारंभिक मान 1 हो गया। इसके बाद while कब तक ये लूप चलेगा, जब तक n छोटा या बराबर ना हो जाए किसके, ये कंडीशन हो गई printf n को प्रिंट करा दिया मैंने, और इधर लिख दे रहा हूं आगे n प्लस प्लस, और ये देखिए ये बंद हो गया। इसको समझने की कोशिश करिएगा भाई, एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप इन सी, हेडर फाइलें आप जानते हैं, मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, मेन फंक्शन ही कंट्रोलर होता है जिसके बिना सी का प्रोग्राम संभव ही नहीं है। मेन के अंदर बच्चों मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया यन, और उसकी इनिशियल वैल्यू है 1, यानी ये हो गया तुम्हारा लूप का इनिशियलाइजेशन, यानी आपका जो लूप है वो कहां से चलेगा, 1 से चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक यन, यन का मान अभी 1 है, छोटा या बराबर रहे किसके, 5 के, अर्थात 5 से ज्यादा जब यन का मान होगा तब आपका ये लूप बच्चों टर्मिनेट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे यन का मान पहली बार 1 है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा, प्रिंट क्या करेगा यन का मान, मैं इधर लिख रहा हूं 1, और यन प्लस प्लस यन में 1 जोड़कर पुनः यन में डाल देगा। तो बताइए 1 प्लस 1 2 होगा कि नहीं, फिर ऊपर आएगा, 2 अभी भी छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी, क्या प्रिंट करेगा एन का मान, प्रिंट होगा 2, 2 प्लस 1 3, कंडीशन ट्रू, 3 प्रिंट होगा, 3 प्लस 1 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है, 4 प्रिंट होगा, 4 प्लस 1 5, 5 5 से छोटा नहीं बट 5 5 के बराबर होता है, क्या प्रिंट होगा बच्चों, 5, 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। क्या 6 5 से छोटा है या 6 5 के बराबर है, दोनों कंडीशन फॉल्स, आपका लूप टर्मिनेट। दिस इज द फाइनल आउटपुट, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ योर लूप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कैसे चल रहा है व्हाइल लूप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 3 बातें, अगर 3 बातें ध्यान दोगे, वो 3 बातें क्या हैं, लूप की इनिशियल वैल्यू, कब तक चलना है यानी कंडीशन, इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट। ये तो इंक्रीमेंट हो गया, आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर से देखिए, मैं हेडर फाइल के बजाय सीधे लूप से शुरू करूंगा, प्रोग्राम अननेसेसरी लंबा नहीं करूंगा। देखिए int मेन फंक्शन तो लिखूंगा ही, बिना मेन के कोई प्रोग्राम नहीं, मेन में एक वेरिएबल बनाया int n जिसको कर दिया इनिशियल वैल्यू 5, वाइल कब तक चलेगा, जब तक n का मान बड़ा है किससे, 0 से, printf यन को मैंने प्रिंट कराया और यन माइनस माइनस कर दिया, देखिए मैंने ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए, ब्लॉक से आपको और समझ में आता है। यहां पर क्या किया बच्चों, यन की इनिशियल वैल्यू 5 कर दी,
कंडीशन क्या दी, जब तक यन बड़ा रहे जीरो से, तो पा एन पे जब तक जीरो से बड़ा रहे मतलब क्या होता है कि एन का मान जब तक कहां ना पहुंच जाएगा, वन तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये लूप चलता जाएगा। बोलिए चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, बिल्कुल चलता जाएगा। तो बताइए क्या आएगा आउटपुट, एन का मान पांच है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट क्या करेगा पांच, पांच में से एक गया चार, ऊपर आएगा चार फिर भी बड़ा है, चार चार में से एक गया तीन, तीन जीरो से बड़ा है, तीन तीन माइनस एक दो, दो जीरो से बड़ा है, दो माइनस एक, एक जीरो से बड़ा है, प्रिंट होता जाएगा, एक माइनस एक जीरो, जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, टर्मिनेट। होपफुली आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा होगी तो निश्चित तौर पे आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, मैं निश्चित तौर पे बच्चों जवाब दूंगा। तो देखिए ये आपका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है लूप्स को समझने का। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्रीमेंट किया है। आप कहेंगे सर क्यों, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने इंक्रीमेंट किया था, इस वाले में मैंने डिक्रीमेंट किया है, भला ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी सिचुएशन ऐसा बोल रही है। जहां पर वैल्यू कम से ज्यादा जाएगी बच्चों वहां बढ़ेगा, जहां वैल्यू ज्यादा से कम जाएगी वहां घटेगा। तो उम्मीद करता हूं व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको फॉर लूप बताना जरूरी है। फॉर शायद ये इट इज मोस्ट पॉपुलर लूपिंग स्टेटमेंट। इन सी मैं क्यों कह रहा हूं कि बच्चों ये सी का मोस्ट पॉपुलर लूपिंग स्टेटमेंट, व्हाई आई एम सेइंग इट इज मोस्ट पॉपुलर, तो इसका वजह जानते हो क्या है? क्योंकि यहां पर लूप से संबंधित मैं कहता आ रहा हूं तीन बातें, तो लूप से संबंधित तीन की तीनों बातें एक ही लाइन में देनी होती है, और इसी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, किसका, फॉर का, देखिए आप लिखोगे फॉर लूप की इनिशियल वैल्यू, सेमीकोलन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे लूप की कंडीशन, सेमीकोलन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे इंक्रीमेंट लगाओगे या डिक्रीमेंट करोगे, और इसके बाद जो स्टेटमेंट आपको देने हैं एग्जीक्यूट करना है वो आप इसमें दे सकते हैं, चाहे जितने स्टेटमेंट, और ये बंद हो जाएगा। यहां देखिए बच्चों लूप से संबंधित तीनों चीजें एक साथ, क्या क्या तीनों चीजें, लूप की इनिशियल वैल्यू सेमीकोलन, लूप की कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या नहीं होगा सेमीकोलन क्योंकि अंदर आना है, और फिर ये ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट जो कि आप चाहते हैं एग्जीक्यूट करना। आइए आपको फॉर लूप का एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल लूप है, एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। इसको समझिएगा जरा सा बच्चों, मेन फंक्शन के बगैर तो तुम्हारा सी का प्रोग्राम संभव ही नहीं है। तो मेन फंक्शन लगाया मैंने, एक वेरिएबल लिया int i जिसकी इनिशियल वैल्यू, बच्चों आपको यहां इनिशियल वैल्यू भी नहीं करने की जरूरत, बस वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। सी लैंग्वेज का एक बड़ा कॉमन सा नियम है भाई कि बिना वेरिएबल को डिक्लेयर किए आप उसको बच्चों उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए एक इंटीजर वेरिएबल लिया आई, उसके बाद फॉर आई बराबर कहां से चलेगा, वन से चलेगा, आई मान लीजिए लेस देन इक्वल टू फाइव तक जाएगा, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ और इसको देखिएगा ये आपका लूप हो गया, ये आपका मेन फंक्शन हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये लूप चल कैसे रहा है, हाउ दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इन आई एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, ये लूप चल रहा है आई का वन से
कब तक चलेगा? 5 जब तक ना हो जाए आई और आई प्लस प्लस, यानी तीनों की तीनों बातें, यही इस लूप की खूबसूरती या प्रॉपर्टी या जो कह लो विशेषता है। वाइल लूप में ये तीनों बातें आप अलग अलग लाइन में देते थे, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, यहाँ पर और आसान कर दिया डेनिस रिची या उनकी टीम ने या कंपाइलर बनाने वालों ने। क्या आसान कर दिया? यहाँ पर लूप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बच्चों एक ही लाइन पे लिख देनी है। अब आई का लूप चलेगा 1 से, फॉर आई बराबर 1 इनिशियल वैल्यू, कब तक जाएगा? जब तक वही छोटा या बराबर यानी 5 तक ना पहुंच जाए, और आई में एक एक का इंक्रीमेंट होगा। तो पहली बार आई का मान 1 है, कंडीशन ट्रू है ना, वो 5 से छोटा है, प्रिंट क्या होगा 1, आई फिर एक बढ़ेगा, आई बनेगा 2, 2 छोटा है कि नहीं 5 से? जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, आई का मान क्या प्रिंट होगा 2, 2 प्लस 1 3, आप देख रहे हैं कंडीशन छोटा है 3 प्रिंट होगा, 3 प्लस 1 4, कंडीशन ट्रू है 4 प्रिंट करेगा, 4 प्लस 1 5, कंडीशन ट्रू है 5 प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही 5 से आगे बढ़ेगा, जैसे ही वो 5 से बच्चों आगे बढ़ेगा, लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा? क्योंकि अब आपकी जो कंडीशन है अब वो ट्रू नहीं है, वो क्या हो चुकी है? फॉल्स। आपकी लूप की कंडीशन यही है ना, ये क्या बन चुकी है? 5 के बाद ये फॉल्स हो गई। तो हाउ इजी इट इज, यानी कितने आसानी से बच्चों आपको कंप्लीट तरीका है लूप चलाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों सी लैंग्वेज में लूप क्या है, कैसे बनाते हैं लूप, लूप की मिनिमम क्या जानकारियां हैं, लूप इनिशियल वैल्यू, लूप कंडीशन, टेस्टिंग जिसे कहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अगर आपको बच्चों कंप्लीट कोर्स सी का ज्वाइन करना है, आपको पूरी नॉलेज कंप्लीट चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से जाके, और कुछ विशेष जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, आपके मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों, कॉल करके आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी और आपको नए नए टॉपिक्स सी लैंग्वेज के, पाइथन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के बताता रहूँगा। तो गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।